हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवमेंट इन ऑल। कैसे हैं आप लोग? आज जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ये सारे सामान आप देख रहे हैं, इसमें से कुछ ऑनलाइन है, कुछ ऑफलाइन है। ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, ये काफ़ी सुंदर है और ये सारी चीज़ किचन में ज़रूरत के हिसाब से है। कुछ सामान यहाँ भी हैं, ये और छोटे और कुछ छोटे छोटे भी सामान हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे, ये प्लेट जो कि डेली नाश्ते में इसकी आवश्यकता होती है, तो ये मैंने 4 मंगाया हुआ है। ये देखेंगे काफ़ी सुंदर प्रिंट है, और ये स्मॉल प्लेट का प्रिंट और जो आप देख रहे हैं ये बड़े वाले प्रिंट प्लेट का प्रिंट दोनों सेम है। तो इसको मैंने लिया है, ये है आपका। उसके बाद ये बड़ा वाला प्लेट है, ये इसकी भी आवश्यकता है। स्टील वगैरह तो है लेकिन ये सब आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। हालाँकि डिनर सेट मेरे पास था लेकिन कुछ कारण बस वो उसके बारे में मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी, तो मुझे अभी फ़िलहाल ये लेना पड़ा क्योंकि एक साथ सारा बर्तन जमा हो जाता है तो बहुत मुश्किल होती है। और ये जो आप देख रहे हैं ये कंटेनर इतना अच्छा था कि मुझे देखते ही ये पसंद आ गया। और जब मैं इसका दाम पूछ रही थी तो ये 395 बता रहे थे, तो मैंने कहा स्टील का कितना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा 500 का ऐसा। मैंने कहा प्लास्टिक का इतना कॉस्ट है और स्टील का इतना, तो स्टील का ही लोग क्यों नहीं लेगा। तो फिर मुझे पता चला कि इसके अंदर एक नहीं, दो नहीं, तीन हैं, तो फिर मुझे लगा कि नहीं ये सही है, तो फिर मैंने ये लिया है। बाकी आपको किचन में मैं जब इसमें कुछ भी रखूँगी तो आपके साथ इसको शेयर करूँगी। फ़िलहाल मैं अभी आपको ये दिखा रही हूँ, ये एक बिग साइज़ है, इसमें लिखा हुआ है जिस तरह की 10 kg का है। फिर ये कोई लिक्विड चीज़ 10 kg, और उसके बाद ये जो है आपका ये दूसरे नंबर के बारे में बताया जा रहा है कि ये 5 kg का है, और ये तीसरे नंबर का बताया जा रहा है कि ये 10 kg का, ये 7 kg और ये 5 kg, ऐसा करके दिया गया है। लेकिन जो भी हो ये काफ़ी खूबसूरत है ये तीनों, और इसका प्रिंट नहीं उड़ने वाला है, ये काफ़ी अच्छा है। और इसी सेम कंपनी का जो है मिल रहा था बिना प्रिंट का, बस 70 रुपये का फ़र्क था, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा मुझे लगा तो इसको मैंने लिया है। और ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम शेयर आपके साथ करते हैं ताकि आपको भी अगर ज़रूरत हो तो आप ले सकते हैं। और ये आप देखेंगे, ये डोरमेट, अगर बाथरूम के बाहर पानी जमा होता है तो उसके लिए ये दी बेस्ट डोरमेट है, जो कि ऑफलाइन ये 145 रुपये में दिया है। ये काफ़ी अच्छा डोरमेट है कि ये पानी अगर ऊपर से ये भींग रहा है तो नीचे पानी नहीं आएगा, इसीलिए मैंने ये बाथरूम के बाहर के लिए ये डोरमेट लिया। और इस तरह के डोरमेट मुझे 4-5 चाहिए थे लेकिन दुकान में अवेलेबल नहीं था तो इसको मैंने नहीं लिया। और ये जो आप देख रहे हैं, आपने किचन में कई बार मेरे साथ देखा होगा, छोटा सा बास्केट था, उसी में मैं सब्ज़ी भी धुलती थी, बर्तन भी रखती थी, लेकिन उस दुकान में स्टील का नहीं था इसलिए मैंने इसको लिया है। ये भी 185 का दिया है और स्टील वाले का दाम 450 था, तो मैंने इसको ही लिया। ये काफ़ी मजबूत भी है, मजबूती में भी ये काफ़ी अच्छा है। और ये बर्तन के लिए, इसमें सारा बर्तन आ जाता है मेरे किचन में, जितना भी बर्तन है, और मेरे किचन में ज़्यादा बर्तन है, ऐसा नहीं है कि कम है, 2-3 कुकर है, कढ़ाई है, 2-3, सारा बर्तन इसमें आ जाता है। तो ये लिया। और ये क्लचर जो कि भी आंधी तूफान में कपड़े उड़ जाते हैं तो ये आवश्यक है, तो ये तो मैंने प्लास्टिक का लिया जो कि 30 रुपये में दिया, और ये स्टील का जो कि मैंने 75 रुपये में लिया है। और इसको मैं आपको खोल के दिखाऊंगी, काफ़ी मजबूत है ये स्टील वाला, ये देखेंगे आप। प्लास्टिक का तो फिर भी टूट जाता है लेकिन ये स्टील वाला काफ़ी लंबे समय तक चलता है। और उसके बाद जो मैंने लिया है ये आप देखेंगे, ये इतना प्यारा है, स्मॉल बॉल देख रहे हैं, ये शीशे का है। और ये मैंने एक डब्बे में 5 था, 6 होना चाहिए लेकिन ये 5 ही था, एक कम था। ये जैसे कि मैं आपके साथ कोई भी रेसिपी शेयर करती हूँ तो इसमें से पहले से अगर आप निकाल के रख दो और तो फिर बताने में वो ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये कटोरी मैं बहुत दिन से लेने का सोच रही थी तो ये मैंने लिया, अचानक से मुझे इस पर नज़र पड़ गई तो ये कटोरी मैंने लिया हुआ है। 6 पीस है ये कटोरी। और जो एक महत्वपूर्ण चीज़ था जो मैंने लिया है वो है पोछा। और ये ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या फ़र्क है मैं इसमें आपको बताऊंगी। ऑनलाइन मैंने इसको देखा था, ऑनलाइन जो इसका कॉस्ट दिखा रहा था ऑफलाइन में भी वही मिला। कई लोग कहते हैं कि ऑनलाइन ख़रीदना थोड़ा सस्ता पड़ता है लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने जो इसको ऑनलाइन देखा था ऑफलाइन में भी उसी कॉस्ट में ये दिया है। ऑफलाइन और ऑनलाइन में मैंने जब रिव्यू देखा था तो उसमें था कि कुछ लोग कह रहे थे कि ये सेलो का ओरिजिनल नहीं है, डुप्लीकेट है। ये आप देखेंगे इस तरह से, ओरिजिनल नहीं है, डुप्लीकेट है, ये देखेंगे। लेकिन यहाँ तो मैंने दुकान में देख कर लिया है तो ये बिल्कुल डार्क कलर है। कहा जाता है कि सेलो का जो भी अगर आप ये ले रहे हैं बकेट तो डार्क ब्लू है, तो ओरिजिनल है,
नहीं तो वो डुप्लीकेट है। ये देखेंगे आप, स्पिन मोप स्वीप वाइप क्लीन ये सारा चीज़ है इस तरह से। और ये एक मेरे पास था लेकिन मैंने वो ऑनलाइन मंगाया था तो वो भी ठीक ठाक ही चला लेकिन वो टूट गया था, तो ये लेना ज़रूरी था। ये आपका ये स्पिन वाला हो गया और दो रिफिल इसमें मिला हुआ है ये इस तरह से, और ये बकेट मिला है। तो इसको तो मैंने अभी अपना पोछा वगैरह आपके साथ जो भी काम है वो सब मैंने शेयर किया है। अब इसके साथ आप लोग कहेंगे तो मैं शेयर कर दूंगी। और इस तरह से दो रिफिल मिला हुआ है, इस तरह से दो रिफिल मिला हुआ है ये है। ये दूसरा है दूसरा इस तरह से सिर्फ इस ब्लू वाले में लगाना होता है अगर ये गंदा हो जाए तो। आप लोगों में से कई लोग जानते भी होंगे लेकिन मैंने ख़रीदा, आप लोगों में से कुछ लोग कहते हैं मैम दीदी आप जो भी खरीदते हो थोड़ा शेयर किया करो, तो इससे सही बात है, आइडिया मिल जाता है कि घर में किस चीज़ों की आवश्यकता होती है, क्या चीज़ हमें चाहिए क्या चीज़ नहीं चाहिए, हमने क्या लिया। तो इस तरह से ये काफ़ी ये होता है पोछा करने में, काफ़ी इससे सुविधा होती है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं एक अलग से रखती हूँ डंडा, कहीं पानी वगैरह गिर गया, छोटा बच्चा है तो हमेशा इसको यूज नहीं करती हूँ, एक बार यूज किया धूल के रख दिया और उसके बाद फिर उस डंडे वाले पोछे को यूज करती हूँ। और कुछ दिन से लगभग एक महीने से मैं उसी को यूज कर रही थी क्योंकि मेरा पुराना वाला पूरी तरह से टूट गया था, तो अभी मैंने ये नया वाला लिया है। तो ये सारा सामान मैंने और भी छोटे छोटे सामान लिए थे जैसे बच्चे का जो भी अपना होता है स्टेशनरी का पार्ट्स ऑफ बॉडी का पूरा कट पेस्ट करके उसको कट कर करके पेस्ट वगैरह करना है, रेजर शार्पनर, तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि वो मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया। बाकी जो ज़रूरी चीज़ें थी आपको दिखाने के लिए तो ये मैंने आपके साथ शेयर किया। तो आशा करती हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो हेल्पफुल रहे तो लाइक करिएगा, कमेंट कर ज़रूर बताइएगा आप क्या चीज़ लेना चाहते हैं और आपको क्या मेरे इस वीडियो में अच्छा लगा। और मेरे नए हैं तो प्लेलिस्ट में एक बार चेक करिएगा, वहाँ आपको सारा वीडियो मिल जाएगा मेरे ब्लॉग चैनल का और जिससे भी मेकअप वगैरह से रिलेटेड सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, बने रहिए आप इस चैनल के साथ।